हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक यूनिक सी रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे कहते हैं बेसन की सब्जी, पर इन डिफरेंट स्टाइल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सेकेंड का टाइम निकाल कर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। उसमें डालना है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और कुछ कटे हुए प्याज, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के साथ साथ हमें उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, और पानी डालकर इसको एक चीले के बैटर की तरह तैयार कर लेना है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे और फिर वो मोटे मोटे अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना, एक ही बार में ज़्यादा पानी मत डालना, नहीं तो जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, फिर हमारा जो है सब्जी बन नहीं पाएगी। तो इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको साइड में रख देना है ढककर, ताकि जो इसके मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तब तक के लिए हमें एक पैन लेना है, उसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप देखना आपको कितना ऑयल खाना होता है, हमें थोड़ा सा खाना होता है, तो हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है। उसके बाद जो हमने बैटर जैसा बनाया था 10 मिनट के बाद, इसको उसके अंदर डालेंगे। और डालने के बाद आप चाहो तो गोल शेप दे देना, वरना आपको जैसा शेप देना है दे सकते हो, बट इसको गोल शेप करके ही हमें इसे रोल करना होता है। तो हमने इसको गोल सा शेप दे दिया, और इसको फिर हम ढककर पेशेंटली आराम से पकने देंगे। आप इसको पकने देना, और उस पर इसके दूसरे साइड में इसको नहीं फोल्ड हमें करना है, हमें सिर्फ आगे से पकाना है, और उसको अलग से एक रोल की तरह फोल्ड कर लेना है जब ये नीचे से पक जाए। बिल्कुल कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए। फिर हम इसको साइड में रख देंगे। उसके बाद चलते हैं अपने मसालों की तरह। उसके लिए हमें एक जार लेना है, उसमें डालना है कुछ कटे हुए लहसुन, मिर्च और टमाटर, और एक चम्मच डालेंगे हम रायका पाउडर। उसके बाद थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे, और इसका एक अच्छी तरीके से पतला सा मसाला तैयार कर लेंगे। आप इसे ज़्यादा गीला मत होने देना। ये रहा हमारा मसाला तैयार है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है। तो चलिए अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे आप अपने अकॉर्डिंग ऑयल, और उसमें डालेंगे हम थोड़ी सी अपने अकॉर्डिंग राई। ये सब्जी में हम राई इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये जो बेसन की सब्जी है इसमें राई डालकर ही बनता है। राई का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो हम राई डालने के बाद फिर एक चम्मच राई का पाउडर डालेंगे, क्योंकि इस बेसन की सब्जी में राई का ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आपके पास राई ना हो तो आप राई को नॉर्मली भून के इसका पेस्ट बना सकते हो सूखा सा। उसके बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, जब वो दोनों थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो उसके बाद जो हमने मसाला बनाया था उसको इसके अंदर डालेंगे, और डालकर थोड़ा मिला लेंगे। मिलाने के बाद अपने अकॉर्डिंग नमक डालना, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको भी अच्छी तरीके से ढक ढक कर हमें थोड़ी देर तक पका लेना है। जब ये अभी पक रहे हैं, चलिए हम अपने जो चीले के शेप देकर के हमने बनाए थे उनके तरफ चलते हैं। तो हमने 2-3 ऐसा बना लिया। इसको हम अपने अकॉर्डिंग ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ये सब्जी थोड़ी डिफरेंट है। तो ये मेरी मम्मी का स्टाइल है और उनकी रेसिपी है, तो आपको इसी तरीके से बनाना होगा। ये सच में सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने पर। तो आप मेरे कहने पे एक बार ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज़ यार एक सेकंड का टाइम निकाल के मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो ये रहा हमने जो चीला बनाया था उसको अच्छी तरीके से टुकड़ों में काट लिया है, और फिर ये जो हमने अपने मसाले डाले थे ये भी अच्छी तरीके से भुन गए हैं। भुनने के बाद हम इसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग डालना जितना आपको ग्रेवी चाहिए, हमने अपने अकॉर्डिंग पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम और भून करके पकने देंगे। पकने के बाद थोड़ा सा इसमें हम कटी हुई धनिया की पत्तियां डालेंगे। मैंने आई नो कि ये दिखाया नहीं, बट इसमें धनिया की पत्ती डालने से जो हमारा टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और फिर इसको हम अच्छी तरीके से चला लेंगे। चलाने के बाद आप अब थोड़ा सा और पानी डाल सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। हमें थोड़ी और ग्रेवी चाहिए थी तो हमने थोड़ा सा पानी डाला है, और इसको पकने देंगे। पकने के बाद हमने एक कटोरा लिया, उसमें थोड़े से आम का अचार लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छी तरीके से मसल लेंगे। आप चाहो तो हाथ से मसल लेना, या कैसे भी कुछ ऐसा हो जाए। उसके बाद चलिए हम अपने मसालों की तरफ चलते हैं। तो इसको हमने ढक ढक के अच्छी तरीके से पका लिया। पकाने के बाद ये देखिए हमारे जो मसाले हैं वो भी पक गए हैं, और पानी भी अच्छी तरीके से ग्रेवी का शेप ले रहा है। तो इसमें जो हमने अपने बेसन के पीसेस काटे थे उसके इसके अंदर डालेंगे, और डालने के साथ साथ ही हमने जो अचार को पानी में ऐसे मिक्स किया था उसको भी इसके साथ साथ डालेंगे। ये होता है अचार डालने से कि हमारी जो सब्जी है वो टेस्टी होती है। और जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, तो ये ऐसी ही बनती है। उसके बाद हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देना। ये देखिए आपकी सब्जी बनकर तैयार है। ये खाने में सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप मेरे कहने पर एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाना और खाना। आई होप कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। चलिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू ऑल, बाय, सी यू।